हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं पोको F1 को, जो कि शाओमी की तरफ से एक सब ब्रांड। तो जल्दी से हम करते हैं इसको अनबॉक्स। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि यहां पे क्या क्या लिखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे स्नैपड्रैगन 845 है, इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, इसमें डुअल कैमरा है जो कि फ्रंट कैमरा है, इसमें वो है 20 मेगापिक्सल का और इसमें 4000 mAh की बैटरी है। और साथ साथ में ये जो आपको प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 21,000 रुपये का, और जो ये वर्जन है वो है 6GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और इसका जो कलर है वो है स्टील ब्लू। तो जल्दी से हम इसको करते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों ये है बॉक्स, यहाँ पर रही सील, तो जल्दी से हम इस सील को तोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स है, तो हम इसको साइड में रखते हैं और इस पॉलिथिन को भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ पेपर वर्क शाओमी की ही तरफ से, और यहाँ पे हमें एक मिलता है एक केस जो कि शायद एक ट्रांसपेरेंट केस है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट केस है, यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई ख़ास क्वालिटी का नहीं है, जैसा Redmi Note 5 Pro के साथ मिलता है वैसा ही है। और यहाँ पर है हमारा पोको F1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पोको F1, तो अभी मैं साइड में रखता हूँ इसको, बाद में देखेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक चार्जर जो कि एक फास्ट चार्जर है। मैं बात करूँ तो ये क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है, तो जो आपका मोबाइल है उसमें ये फास्ट चार्जिंग करेगा बड़े आराम से। और बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक USB 2 Type-C केबल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आप Type-C से इसमें गाने नहीं सुन सकते, उसके लिए आपको हेडफोन जैक आपको मोबाइल में मिलता है। और यहाँ पर बात करूँ तो और कुछ है नहीं, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर सारे बॉक्स को मैं हटाता हूँ और जितने भी बॉक्स अंटेन है सबको हटाता हूँ और मोबाइल पर हम ध्यान देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पोको F1। और अगर मैं पहले इंप्रेशन की बात करूँ तो ये मुझे कहीं से भी प्लास्टिक बॉडी तो है, लेकिन मुझे इतना कोई सस्ता मोबाइल लगा नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। जो प्लास्टिक बॉडी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने को, जिसको हम पॉलीकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, लेकिन आफ्टरऑल वो है प्लास्टिक ही। तो दोस्तों ये है हमारा पोको F1, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर डुअल LED फ्लैश मिल जाती है। और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम ब्रॉकर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको USB Type-C देखने को मिलती है, और एक स्पीकर ग्रिल और एक आपकी माइक्रोफोन। और ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हेडफोन जैक, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, जो कि आजकल रेयर हो चुका है। और यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसमें एक आपकी नैनो सिम पड़ जाती है और एक में कार्ड या सिम, दोनों में से एक चीज़ पड़ जाती है। तो ये एक चीज़ है, तो मैं इसको वापस से अंदर करता हूँ। तो और अब हम जल्दी से करते हैं अपने मोबाइल को बूट अप। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ी नॉच देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नॉच है, और नीचे भी आपको बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर MIUI 9 मिल जाती है। तो मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ। और दोस्तों ये बूट अप हो चुका है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको अबाउट फोन में जाके दिखा देता हूँ, जिसका MIUI का वर्जन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो MIUI 9.6.1.1, और यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको मिलता है 8.1, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पोको ने, मतलब शाओमी ने ये भी बोला है कि इसमें आपको एंड्रॉयड P की भी अपडेट देखने को मिल जाएगी, जो आपका आखिरी क्वार्टर होगा इस साल का। और यहाँ पर अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर हम स्टोरेज में जाते हैं, और अगर मैं अवेलेबल स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 54.69 GB, जो कि शायद काफ़ी है। आप चाहें तो इसका 128 GB या 256 GB भी वर्जन ले सकते हैं बड़े आराम से, तो ये काफ़ी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें मिलती हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें स्नैपड्रैगन 845 मिलता है। मैं इसका एक बैटरी टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट भी करूंगा, इसमें मैं पबजी खेलूंगा कि कितनी देर तक पबजी हाई सेटिंग्स में इसमें चलता है, और बिना गर्म हुए हुए मैं ये भी देखूंगा कि कितना गर्म होता है कितना नहीं होता है, जो इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर पबजी खेलूंगा, पहले पूरी बैटरी करूंगा उसमें, फिर पबजी खेलूंगा, जब तक उसकी जीरो नहीं हो जाती फिर देखेंगे कि क्या हिसाब रहता है, तो तब पता चलेगा कि कितना हीटअप होता है, इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और कब तक वो सही चलेगा। और यहाँ पर आपको सारे तो फीचर मिल जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है इसकी प्राइसिंग, जो इसकी प्राइसिंग है वो कमाल की। आपको स्नैपड्रैगन 845 मिल रहा है, वो भी 21,000 रुपये में, 20,000 रुपये में मिल रहा है अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसमें भी मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसका मैं कैमरा टेस्ट भी करूँगा, और इसमें जो अच्छी बातें और बुरी बातें वो भी आपको मैं बताऊँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और मुझे कहीं से भी प्लास्टिक तो है बॉडी, लेकिन मुझे कहीं से भी सस्ता मोबाइल लगा नहीं है, एक पॉलीकार्बोनेट है बॉडी और काफ़ी अच्छी लगी, और जो सब ब्लू कलर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है देखने को।
तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज लाता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस। जिंद जान तेरे तेलामा छोड़ती ने परवामा।